मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में रेत का अवैध उत्खनन जारी है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद माफिया रेत का अवैध उत्खनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में रेत का अवैध कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है। सिंगरौली जिले के रेत का ठेका सहकार ग्लोबल को मिला है, लेकिन इस समय बरसात की वजह से काम बंद है। इस मौके का फायदा रेत माफिया उठा रहे हैं और बेड़न स्थित बलियरी में रिहंद नदी से लाखों रुपए का रेत डंप कर रहे हैं। इस मामले में सिंगरौली कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर माइनिंग विभाग लगातार कार्यवाही कर रहा है। वहीं जिला माइनिंग अधिकारी ने बताया कि लगातार कुछ लोगों द्वारा अवैध रेत डंप किए जाने की शिकायत मिली थी, जिसके तहत रेत को जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है। विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि बैठन के पास इंडस्ट्रियल एरिया के पास बलियरी में ट्रैक्टरों के माध्यम से लोगों के द्वारा बालू एकत्र कर रखा गया है। इन्हें रात में ट्रैक्टरों के माध्यम से बैठन में ला करके बेचा जाता है। ट्रैक्टर महोदय और एसपी महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया कि पुलिस और माइनिंग की टीम को संयुक्त रूप से गठित कर और जांच कार्रवाई की गई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।